सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? सो फाइनली आपको कल SBI जूनियर एसोसिएट का पहला वेट लिस्ट देखने को मिला। अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम जिनका सिलेक्शन हुआ पहले वेट लिस्ट में। बहुत दिन से वो लोग वेट कर रहे थे कि कब वेट लिस्ट आए एंड कब उनका सिलेक्शन हो। सो मेनी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। एंड एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि सर वेट लिस्ट कब आएगा। एंड मैंने वीडियोज़ पर ये भी बताया था कि देखो, वेट लिस्ट आने में आपको एटलीस्ट 3 से 3.5 महीने, जो पहला वेट लिस्ट है लग ही जाता है 3 से 3.5 महीने, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीड्योर्स होते हैं। जब आपकी जो मेन लिस्ट आती है, सेलेक्शन वाली लिस्ट, उसके बाद बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। कोई IBPS PO ज्वाइन कर लेता है, कोई कुछ और ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वैकेंसीज खाली रह जाती है एंड जूनियर एसोसिएट का पोस्ट खाली रह जाता है। इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है कि वेट लिस्ट निकालती है। तो ये प्रिडिक्शन करने में एटलीस्ट 3 से 3.5 महीने लगते हैं, जो आपको देखने को मिला। एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि 31 जुलाई तक तो वेट लिस्ट देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। बट कुछ लोगों की अभी क्वेरी आ रही है कि सर क्या सेकेंडली वेट लिस्ट आने वाला है, आएगा भी या नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा, कब होगी सिलेक्शन, ठीक है। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि देखो, पहला वेट लिस्ट अगर आया है, इट इज़ डेफिनेटली कि आपका दूसरा वेट लिस्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको 101% आप श्योर कि देखने को ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि कब तक देखने को मिलेगा। देखो, मेरा जो तजुर्बा कहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो पहला वेट लिस्ट आपका आया 31 जुलाई में, ठीक है। तो अगर बात कर ले, एक वेट लिस्ट आने में एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, जो मिनिमम लगते हैं 2.5 महीने तो आपको लगेंगे ही। तो यू कैन एक्सपेक्ट योर सेकेंड वेट लिस्ट ऑफ द SBI जूनियर एसोसिएट बाई दिस इज जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, आफ्टर मिड ऑफ अक्टूबर आपको देखने को मिलेगा SBI जूनियर एसोसिएट का सेकेंड वेट लिस्ट, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट इट बाई 15th of October टू 31st of October। बट तब तक मेरा ये आपको हिदायत रहेगा, मेरा ये आपको सलाह रहेगी कि देखो, अभी एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है आपके, RRB PO एंड RRB क्लर्क, एंड इसके बाद फिर IPS क्लर्क, IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इट इज़ माई पर्सनल सजेशन टू यू एज अ बैंकर कि देखो, वेट लिस्ट में हो जाए ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही खुशनसीबी होगी आपकी कि वेट लिस्ट के थ्रू आपका SBI में सिलेक्शन हो जाए। बट आपको अभी क्या करना है, फोकस करना इन एग्ज़ाम्स पे, ठीक है। अभी ये जो 2-3 एग्ज़ाम्स है, आप इन पे फोकस करो। वेट लिस्ट में हो जाएगा, आप सिलेक्शन हो जाएगा, आप निकल लेना। बट आप ये सोचो कि अगर आपका फ्यूचर में नहीं होता वेट लिस्ट में, तो ये जो आप टाइम ख़राब करोगे अभी IBPS RRB ठीक से ना देके, सही सही पेपर ना देके, तो ये आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। सो गेट प्रिपेयर्ड, पहले से आप प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। सो कीप प्रिपेयरिंग, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में बताना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज हु हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक है। चीयर्स।